बंदे को मैंने छू दिया। अबे आता बे हाथ हटा। फाइनली मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो ही गए। नहीं है, अभी नया टारगेट आ गया बाकी। खैर, बहुत दिनों का था व्लॉग किया नहीं था, तो सोचा आज करते हैं थोड़ा। मुझे आजकल वक्त नहीं मिलता है रे, अंधेरा अंधेरा है। असल में मैं काम करने में बाहर बिजी रहता हूँ, तो अभी मैं आया था थोड़ा लंच करने के लिए। हमारे पास है ये दही, आज दही रोटी खाकर काम चलाएंगे अपन। और अम्मी है नहीं, इसीलिए मैं खुद ही रोटी शोटी बना के दही वगैरह दूध जो भी मिल जाता उसे खा लेता हूँ। # स्वयं अल्फाजों की कमी हो चुकी है, हम बहुत गरीब हैं अल्फाजों के मामले में। अल्फाज ऐसे खत्म हो जाते हैं, जैसे 1 GB का डेटा पैक सुबह स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है। इतनी छोटी छोटी कटोरियां मिल रही हैं, बड़ी कटोरी पता नहीं कहाँ है। मिला इधर कोपचे में रखेला है। तुझे माइला ऐसे नहीं आएगा तो मेरे हाथ को। कटोरी चमचा सारा सामान हमारे सामने प्रस्तुत है। आइला शक्कर लाना तो भूल ही गया भाई मैं। ये रही शक्कर की डिबिया। दही को रोटी से खाने के लिए, खैर बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करें और हमारे दही खाओ कार्यक्रम में ध्यान दें। ये निकल गई। और अब हम इस दही में मिलाएंगे स्वाद अनुसार चीनी उर्फ शक्कर। 1-2 नहीं, डायबिटीज भी हो सकता है हमको। ये खुल जा रही मेरे हाथों की बनी हुई रोटी। रोटी की हालत में किसी को दिखा नहीं सकता, वरना लोग मुझ पर तरस खा के मुझे चैरिटी देना शुरू कर देंगे। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। जो भी है मैंने खुद से बनाया है दही विद रोटी। अभी अपन के जिंदगी में यही चल रहा है मामू, तो अपन यही दिखा सकता है। तो सबर करने का, कंट्रोल करने का, और अपन जो दिखा रहे उसको सबर के साथ देख लेने का। अहिला ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? इसको खाने से पहले एक सीरियस नोट। अल्लाह ताला जो कुछ भी हमें देता है खाने के लिए शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए, पेट भर जाता है। चाहे ठंडी रोटी हो, गरम हो, कड़क हो, नरम हो, चाल के आटे के बनाओ या बिना चाल के बनाओ, पेट भरता है। ऊपर वाले ने उसमें दिया हुआ पेट भरने का। खाने के लिए टेंट्रम करना गलत चीज है। ऊपर वाला जो देता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह खाओ, शर्म मत महसूस करो। मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ दोस्तों, बस तो चार बीच में ऐसे ऐसे मार देना चाहिए। खैर गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पे बात करने की वजह से मुझे पंखा बंद करना पड़ता, अब मैं पंखा चला देता हूँ। ऑन हो गया है, ठंडी ठंडी हवा में खाएंगे सुकून से। तो फ्रेंड्स अपना खाना पीना हो चुका है, मैं फिर से जा रहा हूँ अपने काम पर वापस। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कौन सा काम, किस वजह से व्लॉग्स इतने लेट आ रहे हैं, तो मैं उसको कभी आराम से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अगेन थैंक यू गाइस सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। नया टारगेट भी रास्ते में भी दौड़ता दौड़ता आ रहा है, आप तक मैं पहुंचा दूंगा। गाइस अभी मुझे याद आया कि अभी वक्त चल रहा है एंट्रेंस के फॉर्म्स फिल करने का, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे इसी अगस्त के महीने से। आप में से किन लोगों ने इस साल फॉर्म भरा हुआ और किस यूनिवर्सिटी के लिए और कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और फिर मैं भी इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, कौन से कोर्स को मैंने सोचा हुआ आगे परस्यू करने के लिए। अगर हो पाएगा तो, टाइम मिला तो, कमेंट डाउन बिलो। ये देखिए भाई साहब की जद्दोजहद, और इस गाय की भी जद्दोजहद। बेचारी अकेले अकेले पत्ते खा रही है, कोई साथ देने वाला नहीं। अरे कोई तो साथ दे दो। शोक सपाट, चलते हैं काम की तरफ, धूप बहुत तेज है, पसीने आने शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं फिर आगे। गाइस बाहर बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, अपन लोग चाय पीने के वास्ते इधर बैठे लाए। अरे ऑर्डर मार दी। आकाश नहीं आई मटरी, ऑर्डर फॉर द मटरी प्लीज। ये मामू मटरी लेकर आना। मजा आ गया, जानवरों वाला स्टाइल चाय पीने का। भीगते हुए बारिश में हमें घर जाना पड़ रहा है। ये भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। फाइनली आई रीच्ड होम, बट द प्रॉब्लम इज आई एम टोटली वेट।
मेरी पूरी हालत खस्ता हो चुकी है, भीग भीग के सर में से पानी टपक रहा है, कपड़ों में से पानी टपक रहा है, बहुत तेज वाली बारिश हो गई अचानक। तब मस्जिद में जैसे एंटर किया वैसे बूंदियां पड़ रही थी, नमाज पढ़ के कंप्लीट किया तब तक बाहर देखा मूसलाधार बारिश होने लगी, चाय पीकर निकला और तेज हो गई आते आते, अच्छा खासा मैं भीग चुका हूँ। अभी वक्त हो चुका है खाने का, तो आज हमारे मेनू में है अचार और रोटी। आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ये क्या खाना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी बात, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, छोटी सी इजाजत परमिशन चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबी, सबसे टफ लाइफ गुजारने वाले लोग, अबू जर गफारी रदियल्लाहु तआला अन्हु, इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये उन साहबा में से जिनका हम नाम नहीं जानते, उतने ज्यादा मशहूर नहीं है, बट वल्लाह ही इनकी लाइफ स्टोरी आप देख लोगे ना, वो मोटिवेशन आपको मिलेगी जो आज के प्रेजेंट टाइम में जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो 100 के 100 इकट्ठा होकर वो मोटिवेशन नहीं दे सकते जो उनकी लाइफ की स्टोरी आपको मोटिवेट कर देगी। आधे घंटे निकालो, उस वीडियो को जाकर देखो, आपको समझ में आएगा कि ये अचार रोटी, परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, उनके कंपैरिजन में हम बच्चे हैं। जो स्ट्रगल्स झेल कर गए और खुश रहकर ऊपर वाले के हिसाब से जिंदगी गुजार कर गए, हम उसके सामने चींटी भी नहीं है। मैं ऐसे अभी लग रहा होगा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, आप वीडियो देखो आपको खुद पता चल जाएगा। तब तक हम भी ठूस लें इस खाने को। मैं जो खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और मेरे से पहले जो लोग गुजरे इससे कम खाकर और इससे ज्यादा खुश रहकर दिखा चुके हैं, तो हम भी। तो दैट्स इट गाइस, उस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने वो वीडियो देखी या नहीं। देखो इन दो बैलों ने, बैल है या गाय आई डोंट नो, मगर इन दोनों ने कोहराम मचा दिया है। ये इनके मस्त पिकनिक स्पॉट है, यहाँ बैठ के इधर टट्टी शट्टी करते हैं लोग। गाइस आई रिमेम्बर वेरी वेल कि मैंने बोला था 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव आऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही उसका डेट और टाइम अनाउंस कर दूंगा, कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाल दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज, उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो कल रात मैंने आपको रिकमेंड की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूं। मैं व्लॉग छोटा है बट ज्यादा मैं इसको लंबा कर नहीं सकता, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुझे अभी काम है। इंशाल्लाह मैं फिर बड़े व्लॉग्स बनाऊंगा अगर आपका मन करे तो, वरना छोटे ही सही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट, मुझे पता है एक महीने में नहीं होने वाला, अगले अगस्त तक 2500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट, देखते हैं पूरा होता या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गाइस अरे